स्टार्टअप्स को भी ये समझना चाहिए, लेकिन मैं पहले बता दूं कि मेरा फेवरेट SME एक्सचेंज है, क्योंकि एक IPO 1995 में ला चुका हूं अपनी अपैरल एक्सपोर्ट कंपनी का। मैं खुद एक SME रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं, और वो है कि VC फंडिंग लेनी चाहिए या SME एक्सचेंज में IPO के जरिए फंडिंग लेनी चाहिए। देखो, थोड़ा सा बेसिक फर्क ये है कि जो SMEs है ना, उनका VCs पे एक्सेस नहीं है, क्योंकि आपका बिजनेस ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल माना जो कुछ नया नहीं है, लेकिन आप एक अच्छी टर्नओवर कर रहे हैं, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में, ये भी होता है, लेकिन वहाँ पे VCs का इंटरेस्ट नहीं होता। और दूसरा, VCs के पास आपको पता कौन पहुँचते हैं? IIT या IIM, वो आप हो नहीं, इसलिए VC फंडिंग आपको मिलती नहीं है। और दूसरी तरफ अगर स्टार्टअप की बात करें तो उनके पास आइडिया नया होता है, जल्दी स्केल अप करना होता है, और जल्दी जल्दी वो बड़े होके सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज डी, बहुत कुछ फंडिंग ले लेते हैं, बड़े सारे राउंड फंडिंग के लेते हैं, और हर फंडिंग के साथ डाइल्यूशन होते हैं। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इवन स्टार्टअप्स को भी ये समझना चाहिए कि जब आप VC फंडिंग में जाते हो, बहुत जल्दी में कूद जाते लोग, बहुत ज़्यादा स्टेक दे देते हैं, एंड में अपने पास सिर्फ 5-10% रह जाता है, और आपका कंट्रोल टोटल कंपनी से हट जाता है, और कई बार एज ए फाउंडर VCs आपको निकाल भी देते हैं। तो आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दोनों के फायदे नुकसान, क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन मैं पहले बता दूं कि मेरा फेवरेट SME एक्सचेंज है, क्योंकि मैं खुद एक SME रहा हूं, एक IPO 1995 में ला चुका हूं अपनी अपैरल एक्सपोर्ट कंपनी का, दूसरा IPO अभी तैयारी कर रहा हूं मैं तजुर्बा का SME एक्सचेंज में। तो मैं दोनों जगह, मेरे पास मेंटी जो है, जो मेरे स्टूडेंट हैं जिनको मैं मेंटर करता हूं, स्टार्टअप भी हैं और SME भी हैं, तो मैं दोनों की पूरी अंदर से जानता हूं कि क्या ये महसूस करते हैं, किस तरह की इनको तकलीफें आती, क्या इनके चैलेंजेस हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा, और ये सब्जेक्ट अभी तक किसी ने कवर नहीं किया। या तो एक तरफ SME IPO की बातें चल रही, या फंडिंग कैसे उठाए ये सिखाया जाता है, लेकिन दोनों का कंपैरिजन एक जगह लाना, वो आज आप पहली बार देखेंगे। बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर बहुत सारी मैं इंसाइट्स दूंगा। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम को, आइए ध्यान से सुनिएगा। एक बड़ा सवाल अक्सर आता है कि वैल्यूएशन तो मिलती नहीं SME एक्सचेंज में, 10-15 टाइम प्रॉफिट का मिलता है, तो हम SME एक्सचेंज क्यों जाएं? तो भैया कहाँ जाओगे, SME एक्सचेंज नहीं जा पाओगे, तो मेन बोर्ड जाने की अभी तुम्हारी ताकत नहीं है, वहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम 5-10 साल लगाओगे, और वहाँ के खर्चे, भाई साहब मेन बोर्ड का खर्चा एक छोटी कंपनी झेल नहीं सकती, कितनी लॉयर्स की फीस जाती है, कितनी SEBI की स्क्रूटनी होती है, वहाँ से अप्रूवल लाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी मैराथन है, एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। तो एज ए स्मॉल बिजनेस, यहाँ मैं कवर कर रहा हूँ स्मॉल बिजनेसेस को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट भाई जिनके 500-1000 करोड़ के ऑलरेडी बिजनेस हैं। तो एज ए स्मॉल बिजनेस SME एक्सचेंज में क्या होता है, आपको शुरू में तो 10-15 टाइम वैल्यूएशन मिलती है, लेकिन होता क्या है, ये आपका रणजी ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप भी होना है, ये तो शुरुआत है, आप लिस्टेड हो गए, आपकी विजिबिलिटी बढ़ गई, आपकी ब्रांड इमेज बढ़ गई, आप ESOP दे रहे हैं, आपको स्टाफ बढ़िया मिलना शुरू हो गया, आपको ऑर्डर्स अच्छे अच्छे मिलने लगे, कस्टमर प्रेफरेंस देने लग गया, क्योंकि आप लिस्टेड एंटिटी हो, आप एक ट्रांसपेरेंट कंपनी हो, आपके यहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है जिसमें कंपनी में कंप्लायंसेज अच्छी होती हैं, हाइजीन रहती है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहता है। तो यहाँ क्या होता है, देखिए जब आप 10 और 15 पे कुछ फंड रेंज करते हो, अब SME में मैंने एक चीज़ देखी है, वो फंड्स को स्टार्टअप की तरह उड़ाते नहीं हैं, बड़े केयरफुल होते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू से लोन लेके अपना पैसा लगा के धंधे में लगाया होता है, तो पैसे को लेके वो बड़ा संभाल के चलते हैं। तो जब उनको 10-15-20 करोड़ 25 करोड़ तक की मैक्सिमम मैंने SME IPO में देखा फंडिंग होते हुआ भी, वो जब पैसा मिलता है ना, तो ये लोग बहुत अच्छा ग्रोथ करते। मान लीजिए आप 100 करोड़ के टर्नओवर पे एक 25 करोड़ रेज करते हो, और 100 करोड़ की मान लीजिए वैल्यूएशन भी है आपकी, तो 25 करोड़ लगा के आपके बिजनेस रॉकेट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आप इतनी तेज़ी से बढ़ाते हो काम को, कि मैंने यहाँ तक देखा है कि जिसको 25 करोड़ मिल गए, जिसकी 100 करोड़ की टर्नओवर, वो आराम से 200-300 यहाँ तक के 500 करोड़ तक रेवेन्यू को ले जाता है, और प्रॉफिट भी अच्छे निकालने लग जाते हैं। अब वहाँ पर 2 साल की आपकी जर्नी है,
तो इतनी जब आप ग्रोथ करते हैं तो ऐसे में एक्सचेंज में तो आपको वैल्यूएशन तकरीबन आजकल जो हो रहा है वो आगे होगा या नहीं होगा, लिस्टिंग पे तो दुगनी हो ही जाती है, लेकिन उसके बाद जब ऐसी आप ग्रोथ दिखाते हैं और आपकी बैलेंस शीट बड़े बड़े एनालिस्ट मार्केट में, बड़े बड़े फैमिली ऑफिस, बड़े बड़े इन्वेस्टर जब रिसर्च कर रहे होते देखते हैं कंपनी बहुत अच्छी बढ़ रही है तो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जब वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिमांड एंड सप्लाई गैप भी आता है। एक तरफ तो आपकी ग्रोथ अच्छी हो रही है जिसको प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो भी बोलते हैं, पैग वाला, पैग नहीं पैग, वो पी के साथ साथ आपको जी भी मिल जाता है, एक तो वैसे ही वैल्यूएशन थोड़ी बेहतर मिल जाती है। दूसरा डिमांड सप्लाई गैप की वजह से कि डिमांड ज़्यादा, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उतने शेयर है नहीं, लिक्विडिटी तो ऐसे में एक्सचेंज में इतनी होती नहीं है, तो आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। अब 2 साल बाद 3 साल बाद आपको एक ऑप्शन आता है कि मेन बोर्ड में आप कंपनी ट्रांसफ़र हो जाए, और वहाँ हम जब ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो आपको वैल्यूएशन पीयर्स के बराबर मिलनी है। मान लीजिए आप टेक्नोलॉजी कंपनी है, छोटी टर्नओवर है कोई बात नहीं, लेकिन अगर इंफोसिस की पीई 60 टाइम है या 80 टाइम है तो आपको 40 तो मिल ही जाएगी भाई, 30 तो मिल ही जाएगी, तो एक और आपको वैल्यूएशन का जंप मिलता है और वहाँ पर आपके सामने सारे रास्ते खुल गए। आप चाहें तो कंपटीशन को एक्वायर कर लें, आप जगह जगह ऑफिस खोल लें, काम को बढ़ा लें, और जहाँ भी आपके चैलेंजेस आ रहे हैं मार्केटिंग के किसी भी चीज़ के, बहुत सारे चैलेंजेस फंड्स की वजह से सॉल्व होते हैं। तो अक्सर मैंने ये देखा है कि कई कंपनियां SME में लिस्ट होने के बाद 4 से 5 साल में 4-5 हज़ार करोड़ के वैल्यूएशन में पहुंच जाती हैं, एक आधी तो 7-8 हज़ार करोड़ के वैल्यूएशन में भी पहुँच गए। तो ऐसा नहीं है कि एक SME कंपनी बिलियन डॉलर कंपनी या यूनिकॉर्न नहीं बन सकती। यस, जर्नी थोड़ी लंबी है, स्टार्टअप फंडिंग के टाइम पे यूनिकॉर्न बन जाते हैं, लिस्टिंग अभी हुई नहीं है, लेकिन क्योंकि वैल्यूएशन बढ़ बढ़ के उनको फंडिंग मिलती है तो वो जल्दी यूनिकॉर्न कंपनी बन जाते हैं। जब पब्लिक में आते आते हैं, लेकिन आप देखेंगे स्टार्टअप कितने अब तक लिस्ट हुए हैं, गिनने पे आएंगे ना 10 भी नहीं मिलेंगे आपको, पेटीएम, नाइका और जोमैटो जैसे। तो बहुत कम स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं, ज़्यादातर बीच में एक्वायर कर लिए जाते हैं, किसी को फ़ोनपे ने ले लिया, किसी को जोमैटो ने खरीद लिया, किसी को फ्लिपकार्ट ने खरीद लिया, ये सब बहुत चलता रहता है स्टार्टअप में, IPO तक ये बहुत कम पहुंच पाते हैं। तो अब बताता हूं मैं दूसरा पॉइंट, एक तो वैल्यूएशन का आर्ग्यूमेंट होता है जी कि स्टार्टअप को वैल्यूएशन बड़ी मिलती है, SME को बड़ी नहीं मिलती, आपको भी मिल जाएगी, जर्नी उतनी है, या तो IPO से पहले स्टार्टअप की जर्नी कर लो या लिस्टिंग के बाद SME एक्सचेंज में जर्नी कर लो, लेकिन यहाँ पर इस जर्नी के और बहुत फ़ायदे हैं और उस जर्नी के और बहुत नुकसान हैं जो मैं आगे बताने। पॉइंट नंबर 2 है ओनरशिप एंड कंट्रोल। मैं कई ऐसे स्टार्टअप्स को जानता हूँ जिनको मैंने मेंटर किया, डाइल्यूशन करते 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 हर स्टेज के ऊपर फंडिंग उठाई, 10% उसको, 10% उसको, 5% उसको, एंड में इनका 5-10% है, लेकिन वो 5-10% भी बड़ा होता है, ऐसी बात नहीं है, कई बार कंपनी बिलियन डॉलर की है उसका अगर 5% भी लगाए तो काफ़ी पैसा होता है, लेकिन एंड में आपकी जो बोर्ड रूम है ना वो आपकी चलती नहीं है, आप अकेले होंगे, आप और आपके एक दो को-फाउंडर होंगे, बाकी जितने 7-8 डायरेक्टर होंगे ना वो सारे होंगे VC, और ये VC भी जो बैठे हैं आपके बोर्ड पे ये बिजनेसमैन नहीं होते, ये फंड के एम्प्लॉई हो। अब जब ये आपको सवाल पूछते तो आपको बुरा लगता है कि जो भी गोल अचीव नहीं हुए, जो भी टारगेट अचीव नहीं हुए, वहाँ पर आपकी अच्छी खासी बोर्ड रूम में भाई साहब खिंचाई होती है और वो एज ए फाउंडर कई बार बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं, और आपके हिसाब से फिर कंपनी नहीं चलती, फिर उनके हिसाब से चलती है। CFO उनका होता है जो कई बार हो सकता है आपके लंच के बिल भी पास न करें, देखा है मैंने ऐसा। वेयर एज SME एक्सचेंज में आपको पहली डाइल्यूशन सिर्फ करनी है 26% के बाद आप अगली डाइल्यूशन तक फिर भी 51% अपने पास रखेंगे, तो ओनरशिप आपकी कहीं नहीं जाएगी। बोर्ड रूम आप अपने हिसाब से चुन चुन के ले सकते हैं, आपको तजुर्बेकार मेरे जैसा कोई बोर्ड में बंदा चाहिए आप मेरे जैसा ले लो, आपको कोई टेक्नोलॉजी का बंदा चाहिए वो ले लो, आपको फाइनेंस का कोई चाहिए बहुत बड़ा एक्स फाइनेंस कोई बैंक का मैनेजर, जनरल मैनेजर, GM कोई रिटायर्ड हो उसको ले लीजिए एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे, तो आपके पास टैलेंट बढ़िया बढ़िया एडवाइज़र अवेलेबल हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको VC के ही बंदों को डायरेक्टर लेना है, आप डायरेक्टर्स जो अपना बोर्ड है अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और कंपनी की ओनरशिप हमेशा आपके पास रहेगी। लास्ट में मैं कहूँगा कि जैसे मैंने शुरू में कहा, कितने स्टार्टअप IPO तक पहुँच पाते हैं, उंगलियों पर नहीं गिन पाओगे,
लेकिन एसएमई में आज 1000 से ज़्यादा एसएमई लिस्ट कर चुके हैं, फंड रेज कर चुके हैं और दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहे हैं। अबाउट 70% या 70% से ज़्यादा एसएमईज ने लिस्टिंग के बाद पॉजिटिव रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को, जो बहुत कम देखा जाता है। यस, हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा रिस्की हो क्योंकि छोटी कंपनी है, लेकिन ये छोटी कंपनियाँ बड़ा होने में टाइमिंग लगाते हैं। क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले अगर बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एसएमई एक्सचेंज ही होता था। हमारा जब आईपीओ आया था 1995 में, भाई जब सिर्फ 125 करोड़ का आईपीओ आया था। अच्छा, रिलायंस जो आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका आईपीओ आपको मालूम कितने का आया था? 2,38,00,000 का पहला। इन्फोसिस नारायण मूर्ति साहब का 13,50,00,000 के आसपास का आईपीओ है। तो ये सब छोटी कंपनियाँ थी। धीरे धीरे करके जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में हुई है तो बीएससी और एनएससी में बहुत सारी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई, तो छोटी कंपनियां नहीं आ पा रही थी। तो अब ये इनिशिएटिव है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एसएमई एक्सचेंज शुरू किए दोनों ने। और यही नहीं, दुनिया के तकरीबन 20 से ज़्यादा मुल्कों ने शुरू किया कि छोटी कंपनियों को भी एक मौका हो कि कॉरपोरेट गवर्नेंस ला सकें, एक अच्छी कंपनी को बड़ा कर सकें और कैपिटल मार्केट को एक्सेस कर सकें। क्योंकि जब कैपिटल मार्केट में आप आ जाते हो ना, आपकी सोच बदल जाती है, आपका विजन बड़ा हो जाता है, फंड की शॉर्टेज नहीं रहती। आप चाहें तो किसी भी टाइम अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है और उसकी कुछ वैल्यू है, मान लीजिए 500 करोड़ वैल्यू है, 500 करोड़ में 75% आपके पास शेयर है। अब 75% 500% का कितना होता है? तकरीबन समझ लीजिए कि 400 करोड़ के आसपास, 350-400 करोड़ आपके पास है। अब बैंक में जाइए, लोन उठाए ना 100-200 करोड़ का कोलेटरल रख के, कोई मकान गिरवी रखने की जरूरत नहीं, कोई पर्सनल गारंटी देने की जरूरत नहीं। आप उसके अगेंस्ट लोन उठाइए, अपना काम करिए। अब होगा क्या, इधर तो आप अपना काम कर रहे हो, उधर आपका शेयर बढ़ता चला जा रहा है। अब 100-150 करोड़ से फिर रॉकेट लगाओगे धन, तो इधर तो आपका वैल्यूएशन बढ़ती चली जा रही है, शेयर बढ़ता चला जा रहा है, लोन आप कभी भी वापस कर देना कमा के, फिर आपकी वैल्यूएशन बढ़ गई। तो पैसे की कमी नहीं रहती, आप जगह जगह ऑफिस देश विदेश में हर शहर में ऑफिस खोल सकते हैं। आप कहीं भी जाएँ किसी शहर में, ऑलरेडी इस्टेब्लिश बिजनेस हो, उसके पास कई सारे क्लाइंट हो, उनको ऑफर दीजिए, खरीद लीजिए। आपको पूरा कैश देने की जरूरत नहीं, कुछ शेयर देके खरीद लीजिए। तो बहुत सारे M&A के रास्ते आपके पास खुल जाते हैं। तो ये वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिएगा जो समझते हैं कि VC फंडिंग एक अच्छी बात है। जी हाँ, बुरी बात वो भी नहीं है, लेकिन मैं आज दोनों का कंपैरिजन दे रहा हूँ क्योंकि मैं दोनों जगह रह चुका हूँ। एक तरफ मैं उनको भी मेंटर कर चुका हूँ जिन्होंने VC फंडिंग उठाई है, और उनको भी मेंटर कर चुका हूँ और कर रहा हूँ जो SME एक्सचेंज में जा रहे हैं। मैं खुद SME एक्सचेंज में जा रहा हूँ, दोबारा IPO में जा रहा हूँ, और बहुत सारे मेरे मेंटीज जा रहे हैं। 500 IPO तजुर्बा के थ्रू लाने का मेरा सपना है कि उनको गाइड करूँ, हैंड होल्ड करूँ, एक अच्छी बैलेंस शीट बने, एक अच्छा बिजनेस मॉडल बनाने में उनकी मदद करूँ, अच्छी प्रॉफिटेबल बैलेंस शीट बनाए, पूरी गवर्नेंस करें, ठीक से फाइनेंशियल हाइजीन रखें, कंप्लायंसेस करें, पूरे टैक्स ठीक से भरें ताकि एक अच्छी वैल्यूएशन ले पाए। और यहाँ पर देखिए बड़ा कुछ होगा, वेल्थ क्रिएशन होगी पूरे देश के। भारत का एक सपना है कि विश्वगुरु 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। जब वेल्थ क्रिएशन होती है तो आपके एम्प्लॉयज़ की, आपके शेयर होल्डर्स की, पूरे देश की वेल्थ क्रिएशन होती है, आपकी वेल्थ क्रिएशन होती है। तो ये एक बहुत बढ़िया जरिया है। अगर एज SME आप आज लिस्ट नहीं कर रहे हैं तो अपने आप से बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, अपने आप से, अपने परिवार से और अपने एम्प्लॉयज़ से। क्योंकि जब आप लिस्ट करते हैं तो सबका भला होता है, बहुत सारे परिवार चलते हैं, देश बढ़ता है और साथ साथ आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत होती है, एक लेगेसी कंपनी बनते हैं। क्या है कि बच्चों का इंटरेस्ट ही होता आपके बिजनेस में आने का, आपको स्ट्रगल करते देखा। लेकिन जैसे ही आप लिस्टेड कंपनी हो जाएंगे और एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगी, फंड्स की टेंशन नहीं होगी, तो आपके बच्चे भी अमेजॉन गूगल की नौकरी नहीं करेंगे, कनाडा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे, आपके बिजनेस में आएंगे मुकेश अंबानी की तरह और उस बिजनेस को 4 चांद लगेंगे। तो आज आप सीरियसली सोचिएगा कि आप अगर 1 करोड़ टैक्स बचा रहे हैं, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, 1 करोड़ टैक्स बचा रहे हैं ना, अपना कम से कम 40-50 करोड़ का नुकसान कर रहे हैं वैल्यूएशन। क्योंकि 1 करोड़ टैक्स बचाने के लिए आप 3 करोड़ का प्रॉफिट कम दिखाओगे, और 3 करोड़ की अगर आपको 15 गुना वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट में मिलती है तो आपको 45 करोड़ का खुद का नुकसान हो रहा है वैल्यूएशन का। और लास्ट बात क्लोजिंग से पहले कहूँगा कि आप अपने मकान की वैल्यू हर साल तो किसी न किसी प्रॉपर्टी डीलर से पूछ के
खुश हो लेते हो जी, 1 करोड़ का लिया था, आज 10 करोड़ का हो गया। कभी कंपनी की वैल्यू भी सोची है? 9:15 मंडे टू फ्राइडे मार्केट खुलेगी, किसी भी टेलीविज़न चैनल पे, अखबार में आप अपनी कंपनी की वैल्यू देख सकते हैं, अपने शेयर्स की वैल्यू देख सकते हैं कि आज मेरे शेयर्स की कितनी वैल्यू है। देखिए कितना जोश आ जाता है, कितना जोश आ जाता है कि आपको रोज़ लगे कि आपकी मेहनत से, आपके प्रॉफिट अच्छे करने से, आपके कंपनी की ग्रोथ से आपकी वैल्यूएशन बढ़ रही, कंपनी की वैल्यू बढ़ रही, भाई साहब जोश दुगना हो जाता है आपका। ध्यान कीजिएगा, SME IPO के बारे में सोचिएगा, और कोई गाइडेंस चाहिए तो नीचे मेरा ईमेल एड्रेस है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, हमारे पास पूरा इकोसिस्टम है, आपको बिजनेस कैसे बढ़ाना है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे लानी है, उसके बाद अच्छे अच्छे मर्चेंट बैंकर्स से हमारे टाइप हैं। अब आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उनके ऑफिसर्स से डायरेक्टली मीटिंग कराएंगे, ताकि आपको अच्छी तरीके से गाइडेंस और मेंटरिंग और हैंड होल्डिंग मिल सके। नमस्ते, थैंक यू।